Hello friends, this is Rishika Jain. So guys, this is the fifth video in Abacus series. So guys, in the previous video we discussed how to solve simple sums on Abacus tool. So guys, we exercise bhi ki thi aur maine aapko usme practice question bhi diye the us video ke last mein. Hopefully aap sabne wo solve kar liye honge. So guys, agar aapko un questions se koi bhi doubt hai to you can ask me. So guys, now in this video we will mainly focus on how to visualize. So guys, let's start. So guys, आज हम सबसे पहले ये समझेंगे कि विजुअलाइजेशन जो वर्ड है उसका मतलब क्या है. तो यार आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में भी ये वर्ड बहुत बार सुना होगा क्योंकि यार ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अबेकस का. तो आप सबसे पहले ये समझिए कि विजुअलाइजेशन करना होता क्या है. तो गाइस, विजुअलाइजेशन करना का मतलब होता है कि आप अपने माइंड में अबेकस टूल की पूरी पिक्चर बनाएंगे. मतलब आपके पास अबेकस टूल होगा नहीं, पर आपको उसकी पूरी पिक्चर बनानी पड़ेगी अपने सामने. तो सबसे पहले आपको करके दिखाती हूँ कैसे करते हैं. तो गाइस, सपोज कीजिए कि आपके सामने एक अबेकस टूल है. आप अपनी पिक्चर ड्रॉन करिए अपने माइंड से कि हाँ यार अबेकस टूल है मेरे सामने. अब उसमें इमेजिन करिए कि यूनिट रोड जो होती है हमारे पास, सेंटर रोड, वन प्लेस जहाँ से हम स्टार्ट करते थे, वो सपोज कीजिए यहाँ पर है. तो अब हम करना है तो प्लस वन माइनस वन, एक बीट कर दिया. प्लस टू, टू बीट्स अप. माइनस टू, टू बीट्स डाउन. प्लस थ्री, थ्री बीट्स अप. माइनस थ्री. प्लस फोर, माइनस फोर. प्लस फाइव, माइनस फाइव. प्लस सिक्स, माइनस सिक्स. प्लस सेवन, माइनस सेवन. प्लस एट, माइनस एट. प्लस नाइन, माइनस नाइन. सो गाइस, अब ऐसे सपोज कीजिए कि आपके सामने जो टूल बना हुआ है आपको ऐसे करनी है. सो गाइस, अब हम देखते हैं फिंगरिंग कॉन्सेप्ट जो हमने अबेकस टूल पे भी किया था. तो आज जब हम उसको विजुलाइजेशन के थ्रू करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं करते कैसे विजुलाइजेशन के थ्रू. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट. प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन. माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन. प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू. माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू. प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री. माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री. प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर. माइनस फोर माइनस फोर माइनस फोर माइनस फोर. प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव. माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस फाइव. प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स. माइनस सेवन माइनस सॉरी माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस सिक्स. प्लस सेवन प्लस सेवन प्लस सेवन प्लस सेवन प्लस सेवन. माइनस सेवन माइनस सेवन माइनस सेवन माइनस सेवन माइनस सेवन. प्लस एट प्लस एट प्लस एट प्लस एट. माइनस एट माइनस एट माइनस एट माइनस एट. प्लस नाइन प्लस नाइन प्लस नाइन प्लस नाइन. माइनस नाइन माइनस नाइन माइनस नाइन माइनस नाइन. सो गाइस, ये हो गई फिंगरिंग कॉन्सेप्ट. जैसे हमने राइट हैंड से किया वैसे ही सेम हम लेफ्ट हैंड से करेंगे. जैसे प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन. प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस फाइव. सो गाइस, ऐसे ही राइट हैंड से होगा, ऐसे ही लेफ्ट हैंड से होगा. तो ये आपको करना है, मतलब आप अपना टारगेट रखिए कि आपको पहले फाइव टाइम अपने लेफ्ट और राइट हैंड से टूल पे करना है, फिर फाइव टाइम्स अपने राइट और लेफ्ट हैंड दोनों से ही विजुअलाइजेशन के थ्रू करना है. इससे आपको अबेकस में बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी और इसके बिना आप नहीं कर पाएंगे सॉल्व. तो गाइस, अब ये सब तो हो गया. अब हमने जो अपने प्रीवियस वीडियो में सिंपल सम्स किए थे वो हमने अबेकस टूल पे किए थे. तो यार सबसे बड़ी चीज, हम अबेकस टूल हर जगह उठा के लेने जा सकते कि जो जहाँ पे भी कैलकुलेशन आ गया अबेकस टूल उठा लिया, तो इसलिए विजुअलाइजेशन होता है. तो अब देखिए सिंपल सम्स है. जैसे सपोज मैं कोई भी सिंपल सम्स लेती हूँ, वो करके दिखाती हूँ आपको. तो सबसे पहले अबेकस टूल की पिक्चर बनाएंगे. सोचेंगे कि सेंटर रोड हमारी यहाँ पर है, ठीक है. तो अब हम मान लो सिंपल सम करते हैं. प्लस टू प्लस टू माइनस फोर. आंसर जीरो, क्योंकि मैंने प्लस टू करे, टू बीट्स अप करे, टू बीट्स अप करे, वन टू थ्री फोर, फिर मैंने फोर बीट्स डाउन कर दिए तो वैल्यू जीरो हो गई. ऐसे हम और सम्स करते हैं. सपोज प्लस फाइव प्लस थ्री माइनस सेवन प्लस टू. आंसर वन टू थ्री, तो ये थ्री बीट्स हो गए. तो गाइस, इसमें ना आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए सब करने के लिए. आप पहले अपने टूल पे फिंगरिंग कीजिए, टूल पे प्रैक्टिस करिए फाइव फाइव टाइम्स, फिर अपने विजुअलाइजेशन के थ्रू कीजिए. इससे ही होगा यार, इसके बिना नहीं कर सकते सम्स. तो थोड़े बहुत सम्स और कर लेते हैं ऐसे. प्लस एट माइनस सेवन प्लस थ्री प्लस फाइव नाइन. आंसर हो गया फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. अब दोबारा करते हैं दूसरा सम. प्लस थ्री प्लस फाइव माइनस सेवन प्लस थ्री. वन टू थ्री फोर, फोर इज द आंसर. सो गाइस, बहुत सिंपल है. आप इसकी प्रैक्टिस की जितनी हो सकती है विजुअलाइजेशन की भी, तो पहले टूल पे कीजिए फिर इस पे कीजिए. सो गाइस, ये था विजुअलाइजेशन. तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
पता है, अगर आप इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे ना कि मतलब आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें, तो एक टाइम ऐसा आएगा आपको हैंड मूवमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने माइंड में ही ना, मतलब जैसे कोई सम बोलेगा, आप अपने माइंड में वो जल्दी सॉल्व कर लेंगे, हैंड मूवमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके मन में इतनी अच्छे से वो पिक्चर फिट हो जाएगी। तो गाइज आप इसकी बहुत प्रैक्टिस कीजिए, पहले टूल पे कीजिए, फिर विजुअलाइजेशन के थ्रू कीजिए। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो या अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो गाइस थैंक यू। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। स्टे होम स्टे सेफ।